गया। हाँ भाई साहब, मैं उधर पता भीड़ निकाल रहा था, उसके अंदर हाथ डालकर और ऐसा लगा किसी ने हाथ उठ पकड़ लिया भाई। यहाँ के लोग कहते हैं यहाँ पे यार जिन वगैरह भी रहते हैं, यहाँ पर रहना बिल्कुल ठीक नहीं, यहाँ से हम लोग चलते हैं। बैक टू द विशु ब्लॉग्स, और आज की इस वीडियो में हम एक रहस्यमय इमारत पे आए हैं जो कि काफी ज्यादा हॉरर है और काफी ज्यादा स्केरी है। इसका जिक्र कहीं पर भी आज तक इंटरनेट पर नहीं हुआ है, तो इसलिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग मेरी पीछे उस इमारत को देख पा रहे हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ बता दूं, ये बिल्डिंग तब बनाई गई थी जब ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश का राज्य था, जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तब, मतलब इस कोठी को दोबारा से खोला गया तो इसमें भाई काफी ज्यादा सोना निकला था। ऐसा माना जाता है कि जब वो सोना निकला तो यहाँ के जो निवासी है उन लोगों ने उसको हत्या लिया। Suddenness of the move. और मतलब उसके बारे में अभी तक कहीं पर भी वर्णन नहीं है। अभी पता नहीं, ये कोठी को और अच्छे तरीके से खोला जाए तो उसमें खजाना भी निकल सकता है। बाकी अभी इसके अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, और काफ़ी सारी हमारे पास इससे जुड़ी हुई कहानियां हैं जिसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस जगह के बारे में बता देता हूँ कि ये जगह किस जगह उपस्थित है। ये जगह है हमारे करघहने में जो कि बरेली में उपस्थित है, तो आप यहाँ पे आकर चेकआउट भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये कितनी पुरानी है। तो भाई चलो इसका ओवरऑल और रिव्यू लेते हैं और मतलब चारों तरफ घूम के देखते हैं और आपको दिखाते हैं इसके आसपास क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो भाई काफ़ी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है और अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी होगी और किस तरीके से उन्होंने बनाई होगी। बात कर रहा था इसके लोहे की, ये इसका लोहा है, लेकिन भाई साहब अभी तक इस पर जंग नहीं लगा हुआ है। जो आजकल के लोहे आप लोग देखते हैं और जितने भी विंडोज लोग बनाते हैं तो उसके लोहे क्या होता है, एक दो साल में जंग खा के पूरा ख़राब हो जाते हैं, बट ये भाई इतना मजबूत है कि आज तक भाई बिल्कुल जंग भी नहीं खाया। और इसकी बात करेंगे, लकड़ी आप देख रहे हो ना भाई, घुन खा जाते हैं दो साल में लकड़ी को, लेकिन भाई साहब ये लकड़ी अभी तक एकदम पक्की है। तो आप लोग समझ सकते हो यार किस तरीके से इन्हें इस चीज़ को बनाया होगा। और अंदर जाके हम इसके देखते हैं क्या है। क्या ही हॉरर स्कैरी लुक आ रही है यार। तो गाइस यहाँ पर एक गेट भी है, तो इसके अंदर हम झाँक के देखते हैं कि आखिर ऐसा है क्या इसके अंदर, जो कि एक कुंडी लगा के या बंद करके रखते हैं। देखते हैं कुछ हमें क्या पता देखने को मिल जाए। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ जला हुआ है। तो भाई कुछ ऐसा इसका अंदर का व्यू है, और यहाँ पर एक कुआं भी है क्योंकि अभी पूरी तरीके से ढक चुका है, लेकिन पहले जब पहले के जमाने में काफ़ी ज़्यादा गहरा हुआ था। सो वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपको एक फन फैक्ट बता दूं कि ये आप जो पीछे स्कूल देख पा रहे हैं, भाई हमारा बचपन का स्कूल है, हमने यहीं से अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की है, और कभी मौका लगा तो इसका ब्लॉग आ ही जाएगा, है ना, अगर मौका लगा तो। बाकी अपने लोग चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। अभी हम चलने वाले हैं साइड की दूसरी पार, और यहाँ पर बॉल मारिए खड़ी हुई जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म। यहाँ से हम लोग कहाँ तो ऊपर भी जा सकते हैं, बट हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हमें वीडियो अपलोड करनी है एड्रेस के, तो नीचे उतरो भाई। भाई अभी हम आ चुके हैं इस साइड से नीचे की ओर, एंड ये है इसका बैक साइड, कुछ इस तरीका दिखता है। इसके अंदर क्या है ये भी हम देख लेते हैं। पूरी मतलब क्या कहते हैं लॉबी है। आगे आप लोग देख रहे हो यार खाली ईंटों से पल्ला पूरी ये चीज झुकी हुई है। क्या हो गया, कैद खाना है क्या? मतलब पूरा बेसमेंट टाइप का बना है लेकिन कुछ है नहीं, इसके अंदर खाली बना हुआ है एकदम। ये टॉर्चर रूम है भाई, क्या मिलती है यहाँ। पहले टॉर्चर किया करते थे अंग्रेज, जब मतलब वो लोग पकड़ लेते थे किसी क्रांतिकारी को, समझ रहे हो तुम। ये कुछ बताना चाहूंगा, पहले मतलब खिड़कियां थी यहाँ के, जो आसपास के मैदान में बच्चे लोग खेलते थे तो भाई उसके शीशे वगैरह तोड़ देते थे, इसलिए इन लोगों ने रेनोवेशन के वजह से ये चीज़ें बंद करा दी ताकि मतलब अंदर कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। गाइस अभी हम चलते हैं इस कोठी के अंदर, वहाँ से इसका एक रास्ता है यानी। खैर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमरे बने हुए हैं, और भाई वहाँ तक देखो, वहाँ पर एक छोटा सा नल लगा हुआ है, बट भाई इसकी जो वाइब है यार काफ़ी ज़्यादा विंटेज है। और मतलब यहाँ पर यार देखो कितनी ज़्यादा पुरानी ये वाली मतलब ईंटें हैं, एंड ये वाली अब ईंटें देखकर आप देख सकते हो कि ये कितनी पुरानी होगी,
और आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, इधर आ जाओ, ये देखो सारा इसका सीमेंट छुटा हुआ है। एंड यहाँ पर भाई ये पूरा आधा का मतलब ये स्तंभ पूरा खोखला हो चुका है, बट अभी तक ये मतलब इतने अच्छे तरीके से लुका हुआ है। एंड यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पर कभी आग वगैरह लगी होगी, इसकी वजह से काफ़ी लकड़ियाँ हैं सारी काली हो चुकी हैं। तो और यहाँ पर जाले वगैरह भी काफ़ी हैं यार, हॉन्टेड वाइब आती है मेरी समझ से। सो हम लोग यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर एक पेड़ भी है जो मतलब अभी तो इसको काट दिया गया। हाँ भाई साहब, मैं उधर पता भीड़ निकाल रहा था उसके अंदर से हाथ डालकर, हाँ। और ऐसा लगा किसी ने हाथ उस पकड़ लिया भाई, कहाँ पर था, यहाँ देखे, यहाँ देखे, यहाँ पर सही में नॉर्मली ऐसा शूट करा था फोन से, मैंने सोचा कि भाई देखो यहाँ पर जिन वगैरह जिन वगैरह यहाँ हाथ मार दियो यार, यहाँ के लोग कहते हैं यहाँ पर यार जिन वगैरह भी रहते हैं यार, देखो यहाँ से पता नहीं कोई दिक्कत वाली बात ना हो सकता है भाई, हो सकता है क्या यार जिन हो तो ऐसे भी हो सकता है क्या। तो यार रिक्स का काम तो है काफी ज्यादा यार, यार फोन छको यार, ऊपर वाले कृपा दे कि हमारा फोन नहीं करा वरना तू इस तरफ शूट करता। सो गाइस, हमने इस वीडियो में आपको जो भी बात बताई है, विश्व व्लॉग्स चैनल की सत्यता की प्रमाणिकता नहीं करते हैं, और जो भी बातें हमने आपको बताई है मतलब यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हीं से सुनी है, और मतलब आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।